अच्छा जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलिस्ताने जौहर में। गुलिस्ताने जौहर मुनव्वर चौरंगी के पास यहाँ पर है नान स्टॉप, और यहाँ नान मिलते हैं। इन नान की जो है वो फ्लिंग्स होती है, और मुख्तलिफ फ्लेवर में ये नान है। इस वक्त हमने मंगवाए हैं चीज़ नान और साथ साथ टिक्का नान। अब ये कैसा है इसको टेस्ट करते हैं। और देखने में तो बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। इनका कहना ये है कि ये एक लाइट पिज़्ज़ा इन्होंने मुतारफ़ कराया है। जो पिज़्ज़ा की डो होती है आम पिज़्ज़ा की, वो थोड़ी भारी होती है और खाने में भी वो थोड़ा सा भारी होता है, लेकिन ये काफ़ी लाइट है। ये एक आम सा नान यानी रोटी है, नान जो हम लेते हैं, और उसके ऊपर इन्होंने फिलिंग की हुई है। इसमें चिकन है, दीगर चीज़ें हैं जो इन्होंने इसके अंदर इसकी फिलिंग की हुई है। अब ये इसका टेस्ट कैसा है ये मैं इसको चेक करके बताता हूँ। देखने में तो अच्छा लग रहा है ये। और बिस्मिल्लाह, टेस्ट इसका वाकई अच्छा है। आए इसको ट्राई करें, और टेस्ट बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। मैंने तो चीज़ ही मंगवाया, जो बाइट मैंने लिया है उस बाइट के अंदर जो इन्होंने जो फ्लेवर है इसका, उसका टेस्ट आ रहा है, साथ साथ चीज़ का टेस्ट आ रहा है, क्रीमी सा टेस्ट आ रहा है। एक लेट हुआ ना इस वजह से। ये नान स्टॉप के नाम से हमने रेस्टोरेंट खोला है, जिसमें हम पिज़्ज़े सर्व करते हैं। ये जौहर मुनव्वर चौरंगी से राइट हैंड साइड पे आप अंदर आएंगे तो उसी लेन के ऊपर पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर नान स्टॉप के नाम से। स्पेशली हमारे पिज़्ज़ा नान है, सही ना, चीज़ नान, क्रीमी नान, तो इससे अभी हमने स्टार्ट किया है। तो एक काइंड ऑफ पिज़्ज़ा है, लेकिन ये इतना हैवी नहीं है। एपेटाइट लाइक आप एक हल्का सा मूड आपका कुछ खाने का, तो आप ये एक ले सकते हो। तो उस वजह से बोला कि पिज़्ज़ा काफ़ी बार बहुत हैवी हो जाता है, उसका डो बहुत हैवी हो जाता है, ये थोड़ा सा पतला सा है तो एक हल्का हो जाता है आपके लिए। ये कॉन्सेप्ट बहुत दो चार रेस्टोरेंट्स हैं कराची में जो इस्तेमाल कर रहे हैं। हम जो लेकर आए वो एक हमने खाया था क्लाउड नान पे, DHA में है, तो वहाँ से ये कॉन्सेप्ट पहले वो लोग लेकर आते, तो वहाँ से हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था कि अच्छा है, ये हम ट्राई कर सकते हैं अपने होटल पर भी। फ़िलहाल हमारे पास चिकन टिक्का है, अफ़गानी नान है, और क्रीमी नान है, और चीज़ नान है, और इसकी प्राइस 290 और 300 के बीच में। ये तैयार आपके सामने हो रहा है। नॉर्मल डो है जो पिज़्ज़े का डो होता है ब्रेड का, और उसके बाद इसके ऊपर सॉसेस और चिकन और जो बाकी स्पाइसेस हैं